टू माय चैनल मनीष गुप्ता की किचन। आज मैं आपको ब्रेकफास्ट में सूजी के पैनकेक खाऊंगा स्टफ किए हुए। चलिए बनाने चलते हैं। सूजी का पैनकेक बनाने के लिए मैंने आधा किलो ली है सूजी। इसमें मैं डाल रहा हूँ 300 ग्राम दही और इसको मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगा। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हम सोडा। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। और इसको अच्छी तरह से कर लेंगे बीट। उसको अब आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे फूलने के लिए। पैनकेक बनाने के लिए मैंने ये पैन लिया है। इसमें सबसे पहले हम आलू को रोस्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद सबसे पहले हम काम करेंगे कि हम इसमें डालेंगे जीरा। जैसे जीरा हो जाएगा, जीरा डालने के बाद हम डालेंगे इसमें मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड डालने के बाद डालेंगे हम करी ली। डालेंगे हम स्लाइस किया हुआ प्याज। इसमें डालेंगे हम चॉप की हुई ग्रीन चिली। इसमें डालेंगे हम रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्का सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम डालेंगे इसमें नमक। इसमें डालेंगे हम सॉल्ट। अब इसको हम करेंगे सौते। इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए पोटैटोस। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जब ये हो जाएंगे इसको हम 15 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। स्टफ पैनकेक बनाने के लिए सबसे पहले तवे पे लेंगे हम तेल और इसको हम इस तरह से फैला देंगे। इस तरह से फैलाएंगे इसको और इसमें डाल देंगे हम बैटर का मिक्सचर। थोड़ी देर कुक होने के बाद इसको हम चेक करेंगे। इसके और हम डालेंगे आलू, ये जो हमने आलू मैश किए हुए थे। और इसके ऊपर से दोबारा से हम डालेंगे बैटर। जब हमारा पैन पे एक तरफ से हो जाए इसको हम इस तरफ से कर देंगे।
तो ये हमारा हो गया, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। हमारे स्टफ पैन के बन के रेडी हो गए हैं, इसको हम नाइफ से काट लेंगे इस तरह से। और इसको हम प्लेट में लगाएंगे। हमारे स्टफ पैन केक बन के रेडी हो गए हैं। ये हमारे स्टफ किए हुए पैन केक बन के रेडी हो गए हैं। इसे ब्रेकफास्ट में खाइए, सॉस के साथ एंजॉय कीजिए। आप चटनी भी ले सकते हैं, चटनी भी खाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।